हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं महाभारत का प्रारंभिक या मूल नाम क्या है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरा पाटन से दिया गया टिकट। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 83 उम्मीदवारों के नामों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट के अनुसार राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार भी झालरा पाटन से चुनाव लड़ेंगी। वहीं बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को नागौर से अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने धरियावद विधानसभा क्षेत्र से कन्हैया लाल मीणा, मालपुरा टोडा रायसिंह से कन्हैया लाल चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मेवाड़ राजघराने के कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वार से टिकट दिया गया है। बादल परिवार को बड़ा धक्का, स्वामित्व वाली कई कंपनियों की बसों की परमिट हुई रद्द। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद बठिंडा आरटीए ने बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं। जिन बसों की परमिट रद्द की गई है उनमें डीटीसी और ऑर्बिट सहित 8 कंपनियों के 39 बस शामिल हैं। आपको बता दें कि ऑर्बिट और डीटीसी बसों के मालिक बादल परिवार के सदस्य हैं। अब इन बसों को कार्यालय के तैयार किए जा रहे टाइम टेबल में शामिल नहीं किया जाएगा। आदेश की जानकारी दूसरे केंद्रों जैसे कि बरनाला, फरीदकोट, बुढ़लाडा, लुधियाना समेत कई कार्यालयों को दिया गया है। बता दें कि जिन बसों की परमिट रद्द की गई है उनमें डबवाली ट्रांसपोर्ट के 39, ऑर्बिट के 12, जुझार बस सर्विस के 7 और न्यू डीप बस कंपनी के 3 परमिट शामिल हैं। भारत से कनाडाई राजनयिकों को निकाले जाने पर कनाडा के साथ आए अमेरिका और ब्रिटेन। बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत की तरफ से कनाडा के 41 राजनयिकों को दिए गए देश छोड़ने के आदेश पर अपनी चिंता व्यक्त की है। दोनों ही देशों ने भारत से ये आग्रह किया है कि वह कनाडा पर भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने का दबाव न डाले। इन सबके बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडाई राजनयिकों पर भारत सरकार की कार्रवाई दोनों देशों के लाखों लोगों के लिए सामान्य जीवन को कठिन बना रही है। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने का दावा करने के बाद से भारत और कनाडा के बीच में तनाव चल रहा है। पिछले महीने ही भारत ने कनाडा से अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने को कहा था, जिसके बाद कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इस पर कनाडा के विदेश मंत्री जोली ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि भारत सरकार के आदेश के बाद अमेरिका कनाडा के राजनयिकों के भारत छोड़े जाने से मैं चिंतित हूं और मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की काफी आवश्यकता होती है। हमने भारत सरकार से यह आग्रह किया है कि वह कनाडा की राजनयिक उपस्थिति को कम करने की बजाय जांच में सहयोग करे। तो वहीं ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से सहमत नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप कई कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा। ब्रिटेन ने कहा है कि वे वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों या प्रभावी कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा वह भारत में थी तो संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल दुबई से कैसे हुआ। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम दलों ने मोइत्रा की जमकर आलोचना की है, तो वहीं कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मामले पर कार्रवाई करके उन्हें निलंबित करने की भी मांग उठाई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद के संसदीय लॉगिन आईडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब महुआ मोइत्रा भारत में थी तो उनका लॉगिन आईडी दुबई से इस्तेमाल किया जा रहा था। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने जांच एजेंसी को यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोइत्रा पर हमला करते हुए उन्होंने लिखा कि एक सांसद ने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया,
हैरत की बात तो तब है जब वह भारत में थी तो उनकी संसदीय आईडी दुबई से लॉगिन की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, वित्त विभाग और केंद्रीय एजेंसियां सहित पूरी भारत सरकार इस NIC का प्रयोग करती हैं। दुबे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष को अभी भी राजनीति करनी है, लोग निर्णय लेंगे। हालांकि उन्हें सीधे तौर पर मोइत्रा का नाम लेते हुए पोस्ट से बचते हुए दिखाई दिए। बता दें कि मोइत्रा ने हाल ही में कहा कि मैं CBI और एथिक्स कमेटी को सवालों के जवाब देने का स्वागत करती हूं अगर वे मुझे बुलाते हैं। मेरे पास अडानी द्वारा निर्देशित मीडिया सर्कल ट्रायल को बढ़ावा देने या मीडिया ट्रोल का जवाब देने के लिए न तो समय है और न ही रुचि है। H-1B वीजा नियम बदलेगा अमेरिका, कर्मचारियों और छात्रों को मिलेगा इससे फायदा। बता दें कि अमेरिका की जो बाइडेन की सरकार विदेशी कर्मचारियों को जारी की जाने वाली H-1B वीजा के नियमों में बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव विदेशी कर्मचारियों की क्षमता को बेहतर करने, विदेशी छात्रों को लचीलापन मुहैया कराने और गैर अप्रवासी कामगारों को बेहतर स्थिति देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। नए नियमों को 23 तारीख को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया जाएगा और इस संबंध में लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक H-1B वीजा की पूर्व निर्धारित संख्या 60,000 की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया कि प्रस्तावित प्रस्तावों का उद्देश्य पात्रता आवश्यकताओं को बेहतर करना, दक्षता में सुधार करना, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ज्यादा फायदा और लचीलापन मुहैया कराना है। इससे अमेरिका में काम करने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि H-1B वीजा से अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। बता दें कि होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता वैश्विक टैलेंट को आकर्षित करना, मौजूदा कर्मचारियों पर बोझ को कम करना और इमिग्रेशन सिस्टम में धोखाधड़ी रोकना है। अभी एक उम्मीदवार नई नामांकन कर सकता है, ऐसे में उसके ही चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि F1 वीजा यानी छात्र वीजा पर अमेरिका गए छात्रों को भी H-1B वीजा की पात्रता के लिए नियमों को लचीला बनाया जाएगा। इसके अलावा उभरते हुए उद्यमियों के लिए भी वीजा पात्रता नियमों में बदलाव किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित नियमों में H-1B के तहत मिलने वाली छूटों का लाभ गैर लाभकारी संस्थाओं या सरकारी अनुसंधान संगठनों को भी दिए जाने पर विचार चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर H-1B वीजा होता क्या है। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां दक्ष कर्मचारियों को अपने यहाँ पर नौकरी देती हैं। हर साल अमेरिकी कंपनियां इसी वीजा के सहारे भारत और चीन समेत कई देशों से हजारों पेशेवर लोगों को नौकरी पर रखती है। दिल्ली में फिर बढ़ रहा है प्रदूषण, हवा में जहर घोलने वालों पर एक्शन तेज। बता दें कि दिल्ली में बढ़ती हुई ठंड के बीच प्रदूषण का कहर भी बढ़ने लगा है। बता दें कि यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 200 से ऊपर रहा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 22 तारीख को बारिश होने की संभावना है जिससे कि प्रदूषण में थोड़ी राहत मिल सकती है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने हवा में जहर घोलने वालों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिए हैं जिससे इस वर्ष में चालान की संख्या में वृद्धि हुई है। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण का एक बड़ा कारण शहर के वाहन भी हैं जिनसे निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। तो ऐसे में सभी वाहन धारकों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUCC लेना अनिवार्य है। इसके बाद भी लोगों में इसको लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दिल्ली में जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं। इस एक्शन के कारण ही यहां पर चालानों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक PUCC न होने पर इस साल 15 अक्टूबर तक 1.18 लाख दुपहिया वाहनों के चालान काटे गए जिसमें 69,190 मोटरसाइकिल और 49,219 स्कूटर शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सड़क सुरक्षा सेल लगातार अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत ड्राइवरों और महिलाओं आदि को शिक्षित करने और लोगों को इस संबंध में जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से और मोबाइल प्रदर्शनी वाहनों और नुक्कड़ नाटकों जैसे अन्य कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि नई गाड़ी लेने पर PUCC प्रमाण पत्र गाड़ी को खरीदते समय दिया जाता है और इसकी वैधता 1 साल तक के लिए होती है। 1 साल बाद फिर गाड़ी का PUC टेस्ट कराया जाता है। वैध PUCC के बिना चलने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसमें वैध PUCC न होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। पहले अपराध पर 3 महीने के लिए लाइसेंस भी अयोग्य कर दिया जाएगा। बता दें कि PUCC गाड़ी की जांच के लिए दिया जाने वाला प्रदूषण प्रमाण पत्र है जो यह पुष्टि करता है कि कोई मोटर वाहन प्रदूषण मानदंडों को अनुपालन कर रहा है या नहीं।
महिलाओं के बीच इस वादे पर अमल को भुनाएगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर मिलेगा मुफ्त। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा महिला वोट बैंक को साधने के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करने और उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष में 2 मुफ्त सिलेंडर देने को मुद्दा बनाएगी। पार्टी ने दलितों और महिलाओं के बीच आगामी कार्यक्रमों में इसे बड़े तैयारी के लिए पहुँचाने की योजना बनाई है। बता दें कि मोदी सरकार ने अगस्त में रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया था, तो वहीं उज्ज्वला योजना के सिलेंडर की कीमत को 400 रुपए कम किया गया था। इसके बाद 4 अक्टूबर को मोदी कैबिनेट की बैठक में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए और कम कर दिए गए। इस तरह से उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को सिलेंडर अब मात्र 603 रुपए में मिल रहा है। बता दें कि वहीं योगी सरकार प्रदेश में उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने की योजना पर अमल करने जा रही है। पहला मुफ्त सिलेंडर इस दिवाली से पहले देने की योजना है। प्रदेश में योजना के तहत करीब 1,70,00,000 लाभार्थी हैं। अगले वर्ष से होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। पार्टी की ओर से नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत महिलाओं को साधने के लिए सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलनों में बड़ी संख्या में इसकी उपलब्धियों को पेश किया जाएगा। बता दें कि पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सभी जिला अध्यक्षों को इस मुद्दे को प्रमुखता से जनता के बीच रखने को कहा है। मध्य प्रदेश में आर पार के मूड में अखिलेश यादव, 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी अलायंस में दरार बढ़ती जा रही है। सपा मुखिया और कांग्रेस के नेताओं में तल्खी चरम पर पहुंच गई है, लिहाजा सपा अब मध्य प्रदेश में पूरे मूड से चुनावी मैदान में उतरने का प्लान सेट कर रही है। ऐसे में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करने वाली पार्टी अब 50 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। तो इधर सपा के बीच बढ़ी हुई कड़वाहट पर अब कांग्रेस नेता भी नफा नुकसान का आकलन करने में लगे हैं। बता दें कि सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक भाजपा से टक्कर सपा ही ले सकती है, वह अकेले दम पर मुकाबला करेगी। कांग्रेस ने उसे अंधेरे में रखा, लिहाजा अब पार्टी उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो समीकरण के लिहाज से काफी अनुकूल हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में सपा 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 33 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और शेष सीटों पर मंथन चल रहा है। बता दें कि लिस्ट पर सहमति बन जाने के आसार हैं। 1-2 दिन में शेष प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। अमेरिका का चीन के खिलाफ एक्शन, पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स उपलब्ध कराने वाली चीनी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। बता दें कि अमेरिका ने चीनी कंपनियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइलों से जुड़े हुए उपकरणों की आपूर्ति करने वाले 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंध वैश्विक अप्रसार व्यवस्था के तहत लगाए गए हैं। एक बयान में कहा गया है कि हम कार्यकारी आदेश 13-382 के अनुसार चीन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के उपकरणों की आपूर्ति से जुड़े हुई हैं। ये तीनों कंपनियां चीन की हैं और इन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के मिसाइल से जुड़े हुए पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति की थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान का चीन सहयोगी है जो इस्लामाबाद के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का मुख्य आपूर्ति करता रहा है। ये तीनों कंपनियां जनरल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बीजिंग लुओ लुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और चांगझौ यूटेक कंपोजिट कंपनी लिमिटेड हैं। ये प्रतिबंध पाकिस्तान के अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के प्रक्षेपण के कुछ दिन बाद लगाए गए हैं। महादेव ऐप केस में ईडी ने दायर की चार्जशीट, प्रमोटरों समेत 14 लोगों के नाम शामिल, अब रडार पर 19 बॉलीवुड कलाकार। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 और 45 के तहत 14 लोगों के खिलाफ महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी ईडी के वकील सौरभ पांडे ने इसकी पुष्टि की है। ईडी की 197 पन्नों की चार्जशीट में सौरभ चंद्राकर, रवि उपल, विकास छापरिया, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर समेत कई लोगों के नाम दर्ज हैं। बता दें कि सबूत के रूप में 8,800 से अधिक पेज के दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि घोटाला 6,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। ईडी ने अपराध की आय के रूप में कुल 41 करोड़ रुपए पहले ही अस्थायी रूप से जब्त किए हैं। घोटाले के कथित किंगपिन और महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ईडी ने मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया है।
एजेंसी ने दोनों पर ऐप के जरिए जुआ खेलने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि आरोपी सतीश चंद्राकर को रवि उपल और सौरभ चंद्राकर ने दुबई भागने पर महादेव ऐप के संचालन में मदद करने के लिए नामित किया था। आपको बता दें कि जांच का अगला चरण बॉलीवुड सितारों, प्रभावशाली लोगों और टीवी अभिनेताओं पर केंद्रित है, जिन्हें कथित तौर पर ऐप को बढ़ावा देने के लिए हवाला के जरिए भुगतान किया गया था। ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि कम से कम 19 ए लिस्टर्स, जिनमें सौरभ चंद्राकर की शादी के प्रोग्राम में जाने वाले लोग शामिल हैं, वो रडार पर हैं। पांडे ने अभियोजन शिकायत दर्ज होने के बाद रायपुर जिला अदालत में बताया कि इनमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर और हुमा कुरैशी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम अपने पास मौजूदा कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अदालत 25 नवंबर को इस पर फैसला कर सकती है। दिवाली पर आसमान पर हवाई किराया, पटना जाने से कहीं सस्ता है दुबई, बैंकॉक और काठमांडू जाना। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, दिवाली और छठ पूजा आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। त्योहार पर घर जाने वाले लोगों की बढ़ी हुई भीड़ से ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट तो बढ़ गई है, तो वहीं हवाई किराए में भी बेतहाशा वृद्धि हो गई है। हालात यह है कि 11 अक्टूबर यानी कि दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली से पटना का हवाई किराया दुबई, बैंकॉक और काठमांडू की फ्लाइट से भी महंगा है। गो फर्स्ट एयरलाइंस के बंद होने, टिकटों की भारी डिमांड और जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हवाई टिकटों के दामों में आग लगी हुई है। बता दें कि ट्रैवल वेबसाइट मेक माई ट्रिप के अनुसार 22 अक्टूबर को दिल्ली से पटना की सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट 7,003 रुपए की है, तो वहीं दिवाली के करीब यानी कि 9 नवंबर को सबसे सस्ती टिकट 12,173 रुपए में मिल रही है। 10 नवंबर को दिल्ली से पटना जाने के लिए अभी सबसे सस्ती टिकट की कीमत 14,878 रुपए है, तो वहीं 11 नवंबर को इसके लिए आपको 15,823 रुपए चुकाने होंगे। तो वहीं स्पाइसजेट 11 नवंबर को नई दिल्ली से बैंकॉक की डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट 11,466 रुपए में दे रही है। इसी तरह से फिलहाल नई दिल्ली से दुबई के लिए 11 नवंबर की एयर इंडिया की टिकट 13,101 रुपए में मिल रही है। तो वहीं नेपाल की काठमांडू हवाई जहाज से जाना भी 11 नवंबर को पटना जाने से काफी सस्ता है। काठमांडू का टिकट एयर इंडिया का 7,050 रुपए में मिल रहा है। बता दें कि दिवाली और छठ पूजा पर दिल्ली पटना ही नहीं, कई अन्य रूट्स का भी किराया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मुंबई से पटना दिवाली और छठ पर्व में जाना चाहता है अगर कोई, तो 9 से 17 नवंबर के बीच यात्रा के लिए सबसे सस्ता टिकट के लिए 12,934 रुपए से लेकर 18,152 रुपए खर्च करने होंगे। तो वहीं मुंबई से जयपुर का किराया भी 9 से 11 नवंबर के बीच 8,739 रुपए से 9,384 रुपए तक जा पहुंचा है। बेंगलुरु से पटना आम दिनों में 9,200 रुपए के करीब में रहता है टिकट का दाम, तो वहीं दिवाली पर इस रूट का हवाई किराया 13,800 रुपए तक जा पहुंचा है। नेटफ्लिक्स ने यूजर्स को दिया झटका, सब्सक्रिप्शन लेना हुआ महंगा। बता दें कि वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है। दरअसल नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों को बढ़ा दिया है। इस OTT प्लेटफॉर्म पर अब फिल्म या वेब सीरीज देखना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। अमेरिका में अब यूजर्स को इसके बेसिक प्लान के लिए $11.99 प्रति महीने का भुगतान करना होगा, जो कि पहले $9.99 हुआ करता था। इसके प्रीमियम प्लान के लिए प्रति महीना $19.99 का भुगतान करने वाले लोगों को अब $22.99 चुकाने होंगे। नेटफ्लिक्स का $6.99 एड सपोर्टेड प्लान है और $15.49 का स्टैंडर्ड टीयर फिलहाल नहीं बदलेगा। बता दें कि नेटफ्लिक्स ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करते समय शेयरधारकों को लिखे अपने पत्र में लिखा कि चूंकि हम अपने सदस्यों को अधिक वैल्यू प्रदान करते हैं, इसलिए हम कभी कभी उनमें थोड़ा अधिक पेमेंट करने के लिए उनसे कहते हैं। हमारी शुरुआती कीमत अब स्ट्रीमर्स के साथ बेहद ही प्रतिस्पर्धी है और US में $6.99 प्रति महीना है। उदाहरण के लिए यह एक मूवी टिकट की औसत कीमत से काफी कम है। कंपनी ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि नई कीमतें भारतीय बाजार सहित अन्य वैश्विक बाजारों में प्रभावी होंगी या नहीं। इसरो की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग, गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट ने सफलतापूर्वक भरी उड़ान। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत पहले मानव रहित उड़ान परीक्षण में आई तकनीकी खामी को दुरुस्त करते हुए 10 बजे इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो के प्रमुख S. सोमनाथ ने इस सफल लॉन्चिंग की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे TV-D1 मिशन की सफल उपलब्धि की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस मिशन का उद्देश्य एक परीक्षण
वाहन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए चालक दल को ले जाने की प्रणाली का प्रदर्शन करना था। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह क्रू मॉडल 1 मैक तक चला गया जो कि ध्वनि की गति से थोड़ा ऊपर है और क्रू एस्केप सिस्टम के कार्य करने के लिए एक निरस्त स्थिति की शुरुआत की। क्रू एस्केप सिस्टम ने क्रू मॉड्यूल को वाहन से दूर ले लिया और बाद में टच डाउन सहित संचालन किया। इसके बाद इसने समुद्र में बहुत अच्छी तरीके से अपना काम पूरा किया और हमारे पास इस सब की पुष्टि के लिए डेटा है। बता दें कि इसरो ने इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि गगनयान के TVD1 लॉन्च को रोकने के कारण की पहचान करके उसे ठीक कर लिया गया और प्रक्षेपण सुबह 10 बजे करने की योजना है। तो वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गगनयान की पहली उड़ान परीक्षण को टालने की जानकारी देते हुए यह कहा था कि परीक्षण यान का प्रक्षेपण आज नहीं हो सकेगा। मिस्र से लगने वाली गाजा की राफा क्रॉसिंग के खुलते ही यूएस ने जारी किया अलर्ट, नागरिकों को दी खास चेतावनी। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच लड़ाई 7 अक्टूबर से चल रही है और इस दौरान इजरायली वायुसेना गाजा पट्टी पर लगने वाले जगहों पर लगातार हमले कर रही है। इजरायली वायुसेना के हमले में गाजा का जेहरा शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस दौरान 900 साल पुराना चर्च भी इसकी चपेट में आ गया है। इससे 18 लोगों की जान गई जबकि कई लोग घायल हो गए। बता दें कि इसमें ईसाई मुस्लिम समुदाय के 500 लोग शरण में लिए हुए थे। बता दें कि इन सब के बीच राफा क्रॉसिंग को मानवीय सहायता के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही गाजा के लिए मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रक मिस्र से राफा क्रॉसिंग को पार करने लगे। बता दें कि राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में स्थित है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस राफा सीमा को पार करते हुए मिस्र की ओर पहुंचे थे। यूएन के एक प्रवक्ता ने बताया कि करीब 2 हफ्ते से गाजा के लोग भोजन, पानी और ईंधन की कमी से जूझ रहे थे। राफा क्रॉसिंग पर इसराइल का नियंत्रण नहीं है। वह अमेरिका के अनुरोध पर मिस्र से गाजा में मानवीय सहायता पहुँचाने की अनुमति देने पर सहमत हुआ। 4 एम्बुलेंस, 2 संयुक्त राष्ट्र वाहन और 2 रेड क्रॉस वाहन भी टर्मिनल की ओर जाते हुए दिखे गए। बता दें कि मालवाहक विमान और ट्रक कई दिनों से मिस्र के राफा क्षेत्र में मानवीय सहायता ला रहे हैं लेकिन अभी तक गाजा में कोई सहायता नहीं पहुंच पाई थी। राफा क्रॉसिंग के खुलने से पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग को 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे खोल दिया गया। दूतावास ने कहा है कि स्थिति का अच्छी तरीके से आकलन करके ही अमेरिकी नागरिक सीमा को पार करें। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और पंजाब और पश्चिमी हिमालय में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज का सुविचार, जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।